अबे शिनचैन के बच्चे मेरी चट्टी वापस कर। अरे विक्की मैं नहीं दूंगा नहीं दूंगा। अबे शिनचैन कहाँ जा रहा है, रुक जा मेरी चट्टी दे दे। अरे विक्की मैं नहीं दूंगा, कुछ भी कर लो पकड़ के तो दिखाओ। अरे रुक जा शिनचैन कहाँ जा रहा है, मेरी चट्टी दे दे। अब कहा भागेगा, रुक जा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, पकड़ लिया। एक सेकंड, यहाँ पर क्या चल रहा है, ये लोग कौन है? अरे ये फ्रैंकलिन तो बहुत ही बेशरम है, बिना चट्टी के आ गया। अरे शिनचैन मेरी चट्टी दे, मेरी चट्टी दे। हाँ बोलो तुम लोग कौन हो? अरे फ्रैंकलिन हमें भूल गए क्या, मेरे घर में रह के मुझे ही भूल गए। तुमने 5 महीने से रेंट नहीं भरा, जल्दी पैसे दो। हाँ फ्रैंकलिन तुमने अपनी गाड़ी की EMI भी नहीं भरी, पैसे दो। इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी नहीं दिया, पैसे दो। अरे मैं रोज दूध दे के जाता हूँ, आज तक 1 रुपया नहीं दिया, चोर पैसे दे मेरे। मेरे भी पैसे दो। मेरे भी, मेरे भी। अरे विक्की में ये क्या चल रहा है, ये सब के सब तो पैसे मांग रहे हैं। अरे तुम सब एक साथ क्यों आ गए पैसे मांगने? एक सेकंड, ये बच्चा किसका है? ए तुझे कौन से पैसे चाहिए? अरे मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए, यहाँ पर आपकी पिटाई होने वाली है, मैं तो पिटाई देखने आया हूँ। अरे यहाँ पर कोई पिटाई विटाई नहीं होने वाली, मेरी बात सुनो, मैं कल सबको पैसे दे दूंगा। अरे कोई कल वन नहीं रुकने वाला, आज की आज पैसे दे वरना ये घर खाली कर। हम तुम्हारे घर की बिजली काट रहे हैं। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मेरा घर तुम ले लोगे तो मैं कहाँ जाऊँगा, गाड़ी के बिना मैं घूमूंगा कैसे और बिना बिजली के मैं रहूंगा कैसे, ऐसा मत करो। हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, तुमने इतने सारे लोगों से पैसा ले रखा है और किसी को भी उसका 1 रुपया नहीं दिया। अब तुम्हारा घर गया, गाड़ी गई, बिजली गई, पानी गया, दूध गया, खाने को कुछ नहीं मिलेगा, कोई तुम्हें कुछ नहीं देने वाला। नहीं 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 नहीं, नहीं ऐसा मत करो। एनी बेकी में फिर चौको भी कैसे खाएंगे? अबे तुझे चौको भी की पड़ी है, यहाँ पर हमारा घर जाना है। नहीं ऐसा मत करो। चलो चलो, इन गरीबों को घर ही नहीं देना चाहिए। रुक जाओ, सबके सब रुक जाओ। इस बच्चे की ऐसी की तैसी। अरे शिनचैन अब क्या करेंगे? अरे विक्की मैं कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, हमारे पास तो 1 रुपया भी नहीं है। और शिनचैन ना घर में रहने के लिए पैसे, ना कुछ खाने के ना पीने के, अब क्या करेंगे शिनचैन? अरे विक्की मैं कुछ करूँ, मुझे चौको भी खानी है, फिर नन्हे को दीदी के घर पे जाना है। अरे इसको नन्हे को दीदी की पड़ी है। अरे कैसर मुझे लगता है वो टाइम आ चुका है, हमें ये लॉस सैंटोस छोड़ के जाना पड़ेगा। अरे विक्की मैं क्या बोल रहे हो? हाँ शिनचैन, हमें लॉस सैंटोस छोड़ के जहाँ पर पहले मैं रहता था वहाँ पर ही जाना पड़ेगा। पहले मेरे पास बहुत सारा पैसा आ गया था, इसलिए मैं लॉस सैंटोस आया था, अब वापस से सारा पैसा जा चुका है तो लॉस सैंटोस छोड़ के भी जाना पड़ेगा। अरे बच्चे सुन, तेरे पास 100 रुपए है क्या? अरे गरीब अंकल मेरे पास तो पूरे 500 रुपए, पर मैं आपको नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। ओ मुझे नहीं देगा, तेरी तो ऐसे की तैसी, ऐसे कैसे नहीं देगा, मुझे 500 रुपए दे, मुझे 500 रुपए दे। अरे सॉरी अंकल, ले लो ले लो। अरे विक्की मैं इसको क्यों मारा? शिनचैन इसने 500 रुपए दे दिए, अब मैं टैक्सी बुलाऊंगा और हम ये लॉस सैंटोस छोड़ के जाने वाले हैं। जल्दी से टैक्सी को फोन करते हैं। हेलो टैक्सी, जल्दी आ जाओ, हमारी हालत बहुत खराब है। अरे विक्की पर हम कहाँ जाने वाले? शिनचैन वो तू देख ही लेगा, हमें ये लॉस सैंटोस छोड़ना पड़ेगा, आखिरी बार इस घर को देख ले। अरे विक्की मैं हम हमेशा हमेशा के लिए जा रहे हैं क्या? शिनचैन वो सब तो मुझे नहीं पता, हमारे यहाँ पे टैक्सी आ चुकी है, चल फटाफट से चलते। अरे विक्की मैं कम से कम सामान तो ले लो। अबे क्या सामान, सारा का सारा उधार का है, कपड़े उधार के, खाना उधार का है, कुछ भी हमारा नहीं है। चलो अंकल हमें ले चलो। अरे भैया जाना कहाँ है? हमें जाना है लॉस सैंटोस से बहुत ही दूर। ओके अभी लेकर चलता हूँ। तो कैसर हम जा रहे हैं लॉस सैंटोस को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के। कहाँ जा रहे हैं, क्या करेंगे, वो सब आपको थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा। चलो अंकल हमें ले चलो। और काइजर अब ये टैक्सी वाला हमें यहाँ पर छोड़ के जा चुका है। तो काइजर हम वापस से पुराने वाले शहर में आ चुके हैं जहाँ पर पहले मैं रहता था लॉस सैंटोस से पहले। शिनचैन भी मेरे साथ आ चुका है। अरे विक्की भाई ये कौन सी जगह है? शिनचैन यहाँ पर पहले मैं रहता था, मेरा घर दिखाता हूँ तुझे, ये वाली जो बिल्डिंग है ना इसके फर्स्ट फ्लोर पे मेरा घर है, मतलब मैं यहाँ पर रहता था और वापस से हम इधर ही रहने आ चुके हैं। और काइजर मेरी यहाँ पर एक खतरनाक सी शॉप भी थी, वोरी ये शॉप तो अभी भी यहाँ पर है, पर ये पूरी की पूरी बंद हो चुकी है, यहाँ पर क्लोज भी लिखा हुआ है और कुछ भी यहाँ पर चल नहीं रहा है। पर कैसर आप टेंशन मत लो, हम वापस से आ चुके हैं तो हम इस शॉप को वापस से शुरू करने वाले, क्योंकि हमारे पास 1 रुपया भी नहीं बचा तो हमें अपनी वापस से लाइफ शुरू करनी पड़ेगी। अरे विक्की भैया देखो ये तो आप कितने काले अंकल है। अबे शिनचैन ऐसे किसी को भी काला वाला मत बोल यार, बहुत मारते हैं यहाँ पर। तो कैसर फटाफट से अपने सुपरमार्केट को वापस से फंक्शनिंग सुपरमार्केट कर देते हैं। सबसे पहले
जाएंगे अपने कंप्यूटर पर और सबसे पहले चाहिए हमें अपने सुपरमार्केट के लिए सामान जो कि हम यहाँ पर बेचेंगे। हमारे पास यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो हमें सबकी सब चीजें मंगानी पड़ेगी, जैसे कि हम यहाँ पर ब्रेड मंगवा लेंगे, आटा मंगा लेंगे, ऑयल मंगा लेंगे और पास्ता भी मंगा लेते हैं। तो गाइस अभी आप देख सकते हो मेरे पास सिर्फ $50 है जो मैं लॉस सैंटोस से लेके आया था, सिर्फ $50 और उसमें से हम यहाँ पर ब्रेड, आटा, ऑयल और पास्ता मंगाने वाले हैं। तो फटाफट से मंगा लेते हैं, परचेज ऑर्डर हमने यहाँ पर कर दिया और यहाँ की डिलीवरी बहुत ही ज्यादा फास्ट है। अभी आप देख सकते हो हमारा सामान यहाँ पर आ भी चुका है। दीदी हेलो, दीदी कैसे हो? मेरा नाम शिनचैन हो रहा है और मेरी उम्र 5 साल है। दीदी दीदी मेरी बात सुनो। अबे शिनचैन क्या कर रहे हैं? अरे दीदी आपका क्या नाम है बताओ ना दीदी। अबे काले लड़के साइड हो जाओ वरना पुलिस को फोन कर दूंगी। अरे मुझे क्यों बोल रहे हो, मैं तो बोल भी नहीं रहा, ये शिनचैन बोल रहा। अरे शिनचैन। अरे एक और दीदी, हेलो दीदी मेरा नाम शिनचैन हो रहा है। अबे चल चुपचाप यहाँ से, ये शिनचैन तो बिल्कुल ही पागल हो चुका है। चलो फटाफट से सामान उठाते हैं, इस बॉक्स को खोलते हैं और यहाँ पर अपना सारा का सारा पास्ता लगा देते हैं। पास्ता यहाँ पर लग गया, बाकी के बॉक्स को अपन डाल देंगे वापस से कचरे में और अगला बॉक्स खोलेंगे, देखते हैं इसमें क्या है। इसमें ऑयल, फटाफट से ऑयल भी यहाँ पर लगा देते हैं और ये भी हमने लगा दिया। वापस से लेंगे एक और डब्बा और अभी शुरू में मैं यार ऊपर ऊपर की शेल्फ्स में रखने वाला हूँ ताकि लोगों को यार आसानी हो। और ये आटा भी हमने यहाँ पर रख दिया है, इसको फटाफट से रखते हैं। एक और आखिरी बॉक्स यहाँ पर लेंगे और इसके अंदर है ब्रेड, तो फटाफट से सारी की सारी ब्रेड भी यहाँ पर रख देते हैं और ये डन। तो गाइस आप देख सकते हो सारा का सारा सामान हमने रख दिया है। अब ये सामान हमें बेचना है तो इसकी हमें प्राइस भी सेट करनी पड़ेगी। ये जो पास्ता है ये हमें $0.99 में मिला है और बाकी के सारे लोग $3.12 में बेचते हैं, तो हम इसको बेचने वाले $3 में, बाकी के लोगों से थोड़ा सा कम ताकि हमारे पास और भी ज्यादा कस्टमर आए। ये है $1.50 का और सारे लोग बेच रहे इसको $4.50 का, तो हम भी इसको बेचेंगे $4.50 का। लेट्स गो, फटाफट से कर देते हैं। और ये हमारा आटा, ये हमें मिला है 0.79 में, लोग बेचते 3.71, तो हम इसको बेचेंगे $4 का। थोड़ी बहुत चीजों में प्राइस भी बढ़ाना जरूरी है। ब्रेड है हमारी 3.96 की, तो इसको भी हम $4 में बेचने वाले। लेट्स गो, सारा का सारा काम हो चुका है। अभी हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं है इसलिए ज्यादा सामान नहीं, पर आप टेंशन मत लो, जब हमारा स्टोर खुलेगा और बहुत तेज चलेगा तब हमारे पास बहुत पैसा होने वाला है। क्या शिनचैन बोल दे, खोल दिया जाए? जल्दी जल्दी खोल दो। और गाइस अभी हमारा स्टोर हो चुका है ओपन। और ये क्या, कस्टमर भी आ गया ओपन होते ही। चलो चलो फटाफट से कहते हैं, हेलो सर कैसे हो? ओ अंकल सारी की सारी चीजें खरीदो वरना बहुत मारूंगा। अबे शिनचैन, तो शिनचैन को दूर रखना पड़ेगा कस्टमर से। हेलो सर कैसे हो? अरे जल्दी जल्दी ब्रेड और तेल दे दो। हाँ सर अभी देता हूँ। और ये इनका कैश ले लेते हैं। तो गाइस इन्होंने अभी मुझे दिए $9 और अभी मुझे इनको 50 सेंट चेंज देना है, तो फटाफट से इनको चेंज देते। थैंक यू अंकल आने के लिए, वापस जरूर आना, रोज आना, बाय बाय अंकल। और ये क्या, एक और कस्टमर। और कैसा मार, तो मस्त मस्त दो कस्टमर ऑलरेडी आ चुके हैं। चलो फटाफट से इनका काम कर देते हैं। फेंकी पे दीदी, फेंकी पे दीदी। अबे शिनचैन दीदी को छोड़ यहाँ पर यार, कस्टमर खड़ा है और उसको दीदी को पड़ा है। तो गाइस अभी अंकल ने हमें कार्ड दिया तो इनके फटाफट से कार्ड में से पेमेंट ले लेते हैं। थैंक यू अंकल। इन दीदी का आटा। अरे दीदी हम आपको डिस्काउंट देंगे। अरे वो ऐसे कैसे डिस्काउंट देंगे? और गाइस अभी हमको चेंज देना है $46, तो यहाँ पर फटाफट से देते हैं। थैंक यू दीदी आने के लिए। और एक और कस्टमर। अरे फेंकी मुझे तो लगता है हम थोड़े दिनों में मिलियनेयर बन जाएंगे। मिलियनेयर वो क्या होता है? अरे फेंकी मतलब करोड़पति। करोड़पति अभी कहाँ से करोड़पति बनेंगे, अभी तो हमारा स्टोर खुला है। चलो थैंक यू अंकल आने के लिए। हेलो अंकल मेरा नाम शिनचैन हो रहा है और मेरी उम्र 5 साल है। अबे शिनचैन किसी को नहीं जाना तेरी उम्र कितनी है, इनके कार्ड से पेमेंट लेते हैं। थैंक यू अंकल आने के लिए। तो गाइस टॉप राइट में आप देख सकते हो अभी हमारा स्टोर लेवल 1 हो रखा है। जितना ज्यादा हमारा स्टोर लेवल होगा उतने ज्यादा कस्टमर्स आएंगे। और यहाँ पर लाइट चालू बंद करने का ये 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 ये। अरे फेंकी मैं पीछे कस्टमर आ गया, हम लाइट से खेल रहे हो। हेलो कस्टमर कैसे हो, आ जाओ सब ले लो। अभी गाइस हमने अपनी लाइटें भी चालू कर दी है ताकि और भी ज्यादा सबको ढंग से दिख जाए। ये आंटी हमें कार्ड दे रही है। आंटी किसको बोला है? मैं तेरी बेटी की उम्र क्यों? बेटी? अरे आंटी मेरी तो शादी भी नहीं हुई है। आओ अंकल कैसे हो, इनका भी कार्ड ले लेते हैं फटाफट से, इनकी भी पेमेंट कर देते हैं $60। और अंकल भी जा चुके। तो गाइस हमारे कंप्यूटर में आप देख सकते हो हम कितनी सारी चीजें और खरीद सकते हैं, पर अभी इतने पैसे नहीं है। पर यहाँ पर हम फर्नीचर भी खरीद सकते हैं, जैसे कि शेल्फ, फ्रिज, स्पॉटलाइट, लाइट्स भी खरीद सकते हैं। पर एक सेकंड, मेरा कस्टमर आ चुका है, फटाफट से इनका लेंगे यहाँ पर कार्ड। और ये $7, थैंक यू अंकल आने के लिए। तकलीफ आप जरूर आना। अबे शिनचैन, तो ये शिनचैन को कोई सिखाओ यार, ऐसे कस्टमर से बात नहीं
करते कैसे बात करता है ये। तो गाइस सर अभी मेरे पास $47 आ चुके हैं, मैं सोच रहा हूँ कुछ और खाने पीने का मंगा लेता हूँ। अरे विक्की मैं चौको भी मंगाऊ ना, चौको भी चल ठीक है, चौको भी शिनचैन की मंगाते हैं। पहले फटाफट से इन कस्टमर का ले लेते हैं, यहाँ पर दे दो अंकल, थैंक यू, ये लो आपका $1। तो गाइस सर अभी हम अपने लिए चौको भी ऑर्डर करने वाले क्योंकि शिनचैन को चाहिए, तो यहाँ पर अपन ऐड कर लेते हैं अपने चौको भी। और एक काम करते हैं, यहाँ पर हम शुगर भी अपने लिए मंगा लेंगे। फटाफट से करते हैं परचेस और ये डन, फटाफट से बाहर चलेंगे। अरे विक्की मैं दीदी आ गई फिर से। दीदी अबे तो दीदी देख के पागल क्यों जाता है शिनचैन, फटाफट से अभी इसको खोल। तो गाइस सर वो बात में करेंगे, पहले कस्टमर आ चुका तो कस्टमर को पहले सारा सामान देते हैं। जब भी हमें कुछ चेंज करना होगा तो हम अपने स्टोर को क्लोज करेंगे ताकि कोई कस्टमर आए नहीं। यहाँ पर इनका लेते हैं फटाफट से $1 चेंज, लेट्स गो, ये भी डन हो गया। तो गाइस फटाफट से जाएंगे स्टोर को अपने, करते हैं क्लोज थोड़ी देर के लिए क्योंकि अभी हमें सामान रखना है, फिर उसकी प्राइस भी तो सेट करनी है। तो फटाफट से यहाँ पर ही डाल देते हैं। अरे विक्की मैं तो सुसु है। अबे ये क्या नाम है इसका, सुसु, इसमें मतलब शक्कर है पर इसका नाम पता नहीं क्यों सुसु रख रखा है। इसको भी फटाफट से खोलते हैं और यहाँ पर तेरी चौको बीस भी आ चुकी है। अरे विक्की मैं एक पैकेट मुझे दो ना खाने के लिए। अबे क्या खाने के लिए, कस्टमर्स के लिए, तेरे खाने के लिए नहीं है। तो गाइस सर इसकी प्राइस हम रखने वाले $5 शुगर की और इसकी चौको बी की हम प्राइस रखेंगे $6। लेट्स गो, ये डन हो चुका है। और गाइस सर ये क्या हमारा पास्ता पूरा का पूरा खत्म हो चुका है, वो भी ऑर्डर करेंगे। अभी अपने स्टोर को हमने वापस से ओपन कर दिया है और पास्ता कहाँ पर है, यहाँ पर ये रहा पास्ता, इसको फटाफट से ऑर्डर कर देते हैं। लेट्स गो, डन, ऑर्डर कर दिया हमने। यहाँ पर वापस से डब्बा लेंगे, जल्दी जल्दी पास्ता रख देते हैं यहाँ पर सारा का सारा। और हमारे पास यहाँ पे एक्स्ट्रा पास्ता भी है तो वहाँ पे ऊपर हमने रख दिया। रुक जाओ कस्टमर आ चुका है, यहाँ पर फटाफट चलते हैं, ऑयल लेना है अंकल को और इनको फटाफट से इनके चेंज दे देते हैं। ये लो अंकल, थैंक यू अंकल, इनकी फटाफट से ब्रेड भी ले लेते हैं। इन्होंने मुझे ₹100 का नोट दिया है और सिर्फ ₹4 की ब्रेड लिए। रुक जाओ इनको 50, 20, 10, 10, 5, 1, डन, लेट्स गो, बाय बाय अंकल। अब फटाफट से वो पास्ता जो बचा है उसको लेके भी यहाँ पर रख देते हैं। 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 और डन, फटाफट डस्टबिन में डालेंगे और हमारा कस्टमर वापस से आ चुका है। ये लो। विक्की मैम ने अपने सबसे पहले चौको भी बेच दी। हाँ शिनचैन, ये रही हमारी सबसे पहले भी चौको भी बिक चुकी है। तो गाइस सर अभी अभी हमने अपने सबसे पहले चौको भी बेची इन अंकल को। आ जाओ अंकल, और ये क्या दो चौको भी के पैकेट। अंकल एक मुझे भी दे दो ना। वो तुम खुद खरीदो, मैं क्यों दूं। अरे ये तो मजाक कर रहा है भाई शिनचैन, ऐसे बात मत कर किसी से भी। चलो इनको फटाफट से सामान दे दिया, इनको फटाफट से इनका आटा दे देते हैं और ये, और यहाँ पर $4 डन। यहाँ पर एक और चौको भी बिक रही है, चौको भी तो बहुत ही ज्यादा जल्दी जल्दी बिक रही है। अरे विक्की मैं इतना भी खास नहीं। अबे तेरी तारीफ कौन कर रहा है, यहाँ पर आंटी ले रही है ब्रेड और सुसु। अबे शिनचैन ऐसे उनके सामने क्यों बोल रहा है। चलो फटाफट से इनको भी दे देते हैं और ये डन। तो गाइस आप देख सकते हो हमारा स्टोर लेवल अभी हो चुका है 2 और अभी बाहर पूरी की पूरी रात हो चुकी है। आप देख सकते हो पूरे एरिया में सिर्फ एक ही शॉप है जो कि हमारी, यहाँ पर सुपर मार्केट खुला हुआ है, बाकी सब की सब बंद है। और ये इस दरवाजे के पीछे क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा, ये अभी तक लॉक्ड आ रहा है, थोड़े टाइम में पता चलेगा। अरे विक्की मैं दीदी। हेलो दीदी, मेरा नाम है शिनचैन नोरा, मेरी उम्र 5 साल है और मुझे चौको भी खाना बहुत पसंद है। अबे शिनचैन दीदी को छोड़, फटाफट से इनको ऑयल दे देते हैं और यहाँ पर इनका कैश हमें देना $3 चेंज, थैंक यू आंटी। और ये क्या दो कस्टमर्स और आ चुके हैं। तो गाइस सर बस 5 कस्टमर्स और, उसके बाद अपने स्टोर को आज के लिए हम बंद कर देंगे। हाय अंकल कैसे हो, इनको फटाफट से इनका चेंज दे देते हैं। थैंक यू अंकल आने के लिए, वापस जरूर आना, चौको भी लेनी है इनको। इनका कार्ड लेते हैं फटाफट से, $10, थैंक यू, बाय बाय। और गाइस सर सिर्फ 3 कस्टमर और, उसके बाद हमारा आज के लिए स्टोर होने वाला है बंद। सोचो यार आज हम लॉस सेंटोस छोड़ के इधर आए थे और हमने पूरा का पूरा सुपर मार्केट शुरू कर दिया है। अरे विक्की भैया अब हम लॉस सेंटोस वापस कब जाएंगे। शिनचैन हम लॉस सेंटोस जब जा पाएंगे जब हमारे पास बैंक अकाउंट में $1,000,000 मतलब 1 करोड़ रुपए होंगे। अरे विक्की भैया इसका मतलब हम कभी नहीं जा पाएंगे। नहीं शिनचैन कभी ना कभी तो जाएंगे। अरे कोई कस्टमर नहीं आ रहा, लगता है आज हमें स्टोर यही बंद करना पड़ेगा। तो काइजर आज का दिन हमारा होता है यहीं पर खत्म, आज हम अपने स्टोर को बंद करने वाले, बाय बाय। तो गाइस सर ये हमारे डे 1 की सारी चीजें, 22 कस्टमर्स हमारे स्टोर में आए थे और हमने 22 के 22 कस्टमर्स को बिल्कुल अच्छी तरह ट्रीट किया, हमें 126 स्टोर पॉइंट मिल चुके हैं, इनकम हमारी हुई है $172, उसमें से हमने $170 का सामान लिया और $54 का प्रॉफिट था और टोटल बैलेंस हमारा हो चुका है $104 और लॉस सेंटोस जाने के लिए हमें चाहिए $1,000,000। तो गाइस सर इसी के साथ हमारा डे 1 खत्म हो गया है और आज हमारा डे 2 और गाइस सर आज हमारे लाइट
का बिल भी आ चुका है, क्योंकि कल रात को मैंने लाइट जलाई थी तो हमारे लाइट का बिल भी आ चुका है। पर कोई बात नहीं, ये सब तो चलता रहेगा। हमें कैसे भी करके 1 करोड़ रुपए कमाने ताकि हम लॉस सैंटोस वापस जा पाए। 1 करोड़ तो हम कैसे भी करके कमा के रहेंगे, पर आज नहीं कल से शुरू करेंगे। तो गाइस आज की वीडियो से भी इतना ही। अगर आपको अच्छी तो लाइक कर देना, चैनल पर तो सब्सक्राइब कर देना। पता नहीं सकी वीडियो फटाफट से कमेंट करके बता दो, हमारा सुपर मार्केट आपको कैसा लगा फटाफट से कमेंट करके बता देना। और मुझे बताना हम इस सुपर मार्केट का नाम क्या रखे, एक्शन का हम इस सुपर मार्केट। अब शिनचैन तेरे से नहीं पूछा, गाइस फटाफट से कमेंट करके बता देना क्या नाम रखे इस सुपर मार्केट का। तो गाइस हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।